न्यूज टीवी, मैं हूं आपके साथ निशा। गरियाबंद जिले में हीरे के अवैध कारोबार करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन कारोबारियों को पकड़ने पुलिस लगातार कार्यवाही करती रही है। लॉकडाउन के चलते लोग भले ही घर पर हैं, लेकिन हीरा तस्कर बेखौफ नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस इनके खिलाफ सक्रिय नजर आ रही है। जिला पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने अवैध हीरा तस्करी के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार 125 नग हीरा तस्कर गिरोह से बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। सभी आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं। आरोपियों में जोखोराम पिता उज्जवल राम मेहर उम्र 56 वर्ष सीनापाली थाना सीनापाली जिला नुआपाड़ा, विकास पिता सुंदर सिंह मांझी उम्र 25 वर्ष सीनापाली थाना सीनापाली जिला नुआपाड़ा को पुलिस की गिरफ्त में है। इनके पास से पुलिस ने एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखे 125 नग छोटे बड़े हीरे के टुकड़े बरामद किए हैं। इसके अलावा इन तस्करों के पास से एक मोटरसाइकिल, एक 3 मोबाइल फोन, एक तौलने का यंत्र और 1,000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को मुखबिरों से सूचना मिली कि ग्राम जाड़ा पदर में मोबाइल टावर के सामने दो व्यक्ति हीरा बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। इस सूचना के बाद तत्काल मैनपुर थाना प्रभारी उप निरीक्षक भूषण चंद्राकर टीम गठित कर मौके पर पहुंचे और दोनों तस्करों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना मैनपुर में अपराध क्रमांक 35/2020, धारा 379, 34, 421 माइनिंग एक्ट दर्ज किया गया है। कार्यवाही में मैनपुर थाना प्रभारी भूषण चंद्राकर, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार नेताम, प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा, आरक्षक माधव साहू तथा पुरुषोत्तम शामिल थे। कुछ दिनों पूर्व ही 56 नग हीरे के साथ आरोपियों को पकड़ा गया था, जबकि इसी दौरान 830 लीटर अवैध शराब, 14 किलो गांजा भी जब्त किया गया था। इन कार्रवाइयों में कुल 116 आरोपियों और 8 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर भी मौजूद थे। डीएनएक्स टीवी के लिए गरियाबंद से राधेश्याम सोनवानी, रितेश यादव की रिपोर्ट। हम लोग इसमें ये पूछताछ कर रहे हैं कि इनको हीरा कहां से मिला, कहां से खरीदा, इस पर अभी हम लोग पुलिस विवेचना के दौरान और वैज्ञानिक जो है फैसल के माध्यम से हम लोग चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिंक हम लोगों को यहां पर और भी मिले। सर, जब तो हीरे की अनुमानित कीमत लगभग अराउंड 20 लाख आसपास। कितनी बड़ी कार्रवाई मानेंगे सर? ये हमारी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि मुझे अपनी टीम के माध्यम से और बाकी लोगों से पता चला कि पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ 125 नग पुलिस ने जब्त किया है। तो निश्चित तौर ये हमारी पूरी टीम के लिए और हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी सफलता है। सर, ये लगातार आपके आने के बाद कार्रवाई हो रही है सर, 181 नग हीरे। ये हमारी पूरी टीम और आप सभी लोगों का सहयोग है, क्योंकि मीडिया का हमेशा हम लोगों को सहयोग मिला हुआ है और एडिशनल एसपी साहब और थाना प्रभारी सभी मिल करके एकजुट इस स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है। और चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार की तस्करी हो, चाहे गांजा हो, चाहे शराब हो, चाहे हीरा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम पुख्ता से कार्रवाई करेंगे और हमारी टीम पूरी तैयार है। अभी जैसे कि आप लोगों ने पुलिस के बारे में ये देखा होगा कि पुलिस विभिन्न प्रकार की स्मगलिंग, चाहे शराब वाला हो, चाहे गांजा वाला हो, उस पर सख्ती से पेश आई है और हम लोगों ने काफ़ी बड़ी कार्रवाई किया है। गांजा पे भी कार्रवाई किया, शराब पे भी कार्रवाई किया। उसी प्रकार अभी हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ लोग हीरे की स्मगलिंग करते हैं, लीगल तरीके से उसको माइन से निकालते हैं और बेचने की फिराक में रहते हैं। इसलिए हमारी पुलिस ने पूरी टीम वर्क करके हीरा स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी टीम बनाई हुई थी। तो कल हम लोगों को ये सूचना मिला कि मैनपुर थाना क्षेत्र में जोड़ो पदर के पास में दो आदमी हीरा बेचने की फिराक में, वहां पर मतलब कुछ बेचने की फिराक में है, उनके पास कुछ सामान है ऐसा लग रहा था। तो मुखबिर से सूचना मिलने के बाद हमने पूरी टीम बनाई और मैनपुर थाना प्रभारी वहां पर गए और वहां पर सबसे पहले उनसे गए और पूछताछ किए। तो पहले आनाकानी करने लगे, लेकिन पूछताछ के दौरान उनसे 125 नग हीरा जब्त हुआ और 3 मोबाइल मिले और एक वेविंग मशीन, एक वेट करने वाली मशीन मिली। उन लोगों को वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, उनके पास कोई था नहीं। फिर उन लोगों को थाने में पूछताछ किए और फिर हम लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। सर, और क्या ये उड़ीसा के लोग हैं? अंतर्राज्यीय गिरोह होने की संभावना है सर? और पुलिस और कहां तक जा रही है?